जय हिंद। आज हम समझेंगे प्रोफेसर कैसे बने। ठीक है, प्रोफेसर कौन कौन बन सकता है, प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, प्रोफेसर की सैलरी क्या होती है, ठीक है, और लेक्चरर या प्रोफेसर में क्या अंतर है, वो सारा चीज़ हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की ओर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको किसी भी बोर्ड से 10+2 की पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी यहाँ पे फ्रीडम है, आज़ादी है। ठीक है, तो 10+2 करने के बाद आपको कहीं ना कहीं से बैचलर डिग्री करनी होगी। ठीक है, तो बैचलर डिग्री में भी आप कुछ भी कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें, बैचलर डिग्री जो है जनरल करना है या ऑनर्स करना है, तो ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, तो आप जनरल या ऑनर्स दोनों में से कोई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको पूरी तरह से यहाँ पे आज़ादी है। ठीक है, चलिए अब तो आपने बैचलर डिग्री भी कर लिया, उसके बाद आपको करनी होगी मास्टर डिग्री यानी कि पीजी। तो पीजी में भी आप किसी भी फैकल्टी से कर सकते हैं, आप साइंस फैकल्टी से, कॉमर्स फैकल्टी से या फिर आर्ट्स फैकल्टी से, कुछ भी से आप पीजी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, पीजी अगर आप जब भी करें तो आपका 55% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम क्रिटेरिया होती है, यानी कि कम से कम आपको 55% मार्क्स की आवश्यकता होती है, उससे अधिक चाहे जितना भी आ जाए, लेकिन कम से कम 55 तो आनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हम और बता दें, अगर आप बीए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एमए भी इकोनॉमिक्स से ही करना है, ऐसा नहीं कि बीए इकोनॉमिक्स से कर लिए और यहाँ पे एमए हम हिस्ट्री से कर लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका फ्यूचर क्या है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट में एक विशेषज्ञ हैं, और आप अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ तभी हो सकते हैं जब आप उस सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरह से पढ़े हों। तो जब आप बीए अगर इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो एमए भी इकोनॉमिक्स से कीजिएगा, यानी कि अपने सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री यानी कि सफलता मिलेगी, आप उस सब्जेक्ट में एक विशेषज्ञ बनते जाइएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए जिस सब्जेक्ट से हमको यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट करनी चाहिए, उसी सब्जेक्ट से हमको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट करनी चाहिए, यानी कि अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स से किए हैं तो आपको एमएससी भी मैथ ऑनर्स से ही करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स से कर रहे हैं तो आपको एमए भी इंग्लिश ऑनर्स से ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और साथ साथ आपको 55% मार्क्स एटलीस्ट होनी चाहिए, ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे आपने 10+2 भी कर लिया, बैचलर डिग्री भी कर लिया, मास्टर डिग्री भी कर लिया, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम देना होता है, NET का एग्ज़ाम देना होता है। तो NET का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये जो आपका होता है ये MSc के बाद यहाँ इसका एग्ज़ाम दिया जाता है, या फिर आप MSc फाइनल ईयर में है तो आप अपियरिंग में भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो NTA द्वारा यहाँ पे इसको कराई जाती है, यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्ज़ाम, टॉप एग्ज़ाम होता है, तो इसको आपको अगर क्रैक करना है तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए प्लानिंग यही करनी है कि जब जैसे आप पीजी में फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो उसी समय से नेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 2 या 3 घंटा डेली आप उसका प्रिपरेशन कीजिए, इससे फ़ायदा ये होगा आपको पीजी या फिर एमए करने के डायरेक्ट बाद ही आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, और आप वहाँ पे प्रोफेसर बनने में आपको और कम समय में आप जल्दी प्रोफेसर बन सकते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनको जानकारी के अभाव में क्या करते हैं, जब वो पीजी या फिर एमए एमएससी एमकॉम कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं नेट की तैयारी करने,
में। तो पीजी करने में ही 2 साल गया, उसके बाद क्या होता है नेट की तैयारी करने में भी 1.5-2 साल लगते हैं, तो उसका 2 साल वैसे भी गया, यानी कि टोटल 4 ईयर्स गया उसका, तो वैसे टाइम की बर्बादी होती है। तो इसीलिए आप जितना जल्दी संभल जाइएगा उतना बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप पीजी में जाए उसी समय से नेट की तैयारी शुरू कर दें और थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ाई आप चालू रखें, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट होगी और आपको फ़ायदा होगा। जैसे ही आप पीजी कीजिएगा डायरेक्टली आप उसी समय नेट को क्रैक कर जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेट एग्ज़ाम जो है आपका वो साल में 2 बार कराई जाती है, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अगर एक बार में नहीं निकल रहा है तो दूसरे बार में निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एग्ज़ाम जो होता है आपका, अगर नेट एग्ज़ाम जो है इसका अल्टरनेटिव कोई एग्ज़ाम है कि नहीं है, यानी कि नेट के अलावा प्रोफेसर बनने के लिए दूसरा कोई विकल्प है या नहीं है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो नेट एग्ज़ाम के अलावा एक एग्ज़ाम होता है सी नेट, यानी कि जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है वो भी नेट ही है, लेकिन वो सी नेट है, यानी कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं नेट जो होता है वो नेट का यहाँ पे पेपर किस प्रकार का होता है। तो नेट जो होता है उसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो रिसर्च एजुकेशनल, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर या फिर यहाँ पे पॉलिटी इन्वायरमेंटल एंड कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो आपका पेपर 2 होता है वो ये मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पीजी यूजी करते आ रहे हैं, यूजी पीजी जो भी आप करते आ रहे हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो होगा वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका टोटल 300 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपका 100 मार्क्स का जो होता है आपका फर्स्ट पेपर होता है और 200 मार्क्स का जो होता है आपका सेकंड पेपर होता है, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं नेट के बारे में विशेष तरीका से जानना, उसके सिलेबस को डिस्कस करना, तो हम लोग उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे और उसके पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं नेट एग्ज़ाम जो होता है आपका MCQ बेस पे होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो चलिए अब हम लोग सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप 10+2 किए, उसके बाद ग्रेजुएशन किए, उसके बाद आप MSc MCOM या MA किए, यानी कि PG किए, और उसके बाद आपने नेट कर ले, ठीक है। तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अब डायरेक्टली जॉब दे दी जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली जॉब नहीं दी जाती है, उसके लिए कुछ यहाँ पे आपको क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो आपको किसी यूनिवर्सिटी या फिर वेबसाइट या फिर कॉलेज में वैकेंसी चेक करनी होगी, अगर जहाँ पे सीट खाली होगी वहाँ पे अप्लाई करनी होगी, और अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हैं तो वहाँ पे आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है तो वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आपको एडहॉक बेसिस पर निकलती है, आपको घंटे के हिसाब से पढ़ाना होगा और यहाँ पे 2 या 3 लेक्चर लेना होगा, और पेमेंट आपको कॉलेज ही करेगा, और कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट या और कोई अदर एक्टिविटी नहीं करनी होगी, ठीक है। और सेकंड जो होता है आपको नॉन ग्रांट पोजीशन होता है, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पे अप्रूवल आता है लेकिन गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती है, बल्कि कॉलेज ही आपका पेमेंट करेगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपकी सैलरी गवर्नमेंट की अपेक्षा कम होगी, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होगा या फिर गवर्नमेंट प्रोफेसर जो होगा उसकी अपेक्षा यहाँ पे आपको सैलरी कम होगी, ठीक है। और थर्ड में आपका होता है ग्रांटेबल पोजीशन, जो कि बहुत ही अच्छा पोजीशन होता है और आपका फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो सैलरी यहाँ पे होती है गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या फिर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपको सैलरी जो होगी गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आएगी और यहाँ पे आप पूरी तरह से एक गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, अगर आप फ्रेश हैं यानी कि न्यू हैं तो आपको डायरेक्ट ग्रांटेबल पोजीशन नहीं मिलती है, ठीक है। जब तक आप 2-3 साल आपका पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है तब तक आपको ग्रांटेबल पोजीशन नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में आपको वैकेंसी किस टाइप की निकलती है, ठीक है, और पोजीशन क्या होता है।
और अब बात करते हैं प्रमोशन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, और उसके बाद फाइनली आप प्रोफेसर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब यहाँ पे बात करेंगे सैलरी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी जॉब की जाती है तो यहाँ पे सैलरी बहुत ही मायने रखती है, और यहाँ पे सैलरी बहुत ही बड़ा डिस्कशन होता है। तो आपको बता दें, सैलरी जो होती है, स्टार्टिंग सैलरी आपको 75,000 से लेकर के आपको 80,000 के बीच में रहती है। और यहाँ पे आपको ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है, ठीक है। आपका कॉलेज जो है स्टेट लेवल का है या फिर सेंट्रल लेवल का है, या फिर आपका कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो सैलरी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर भी आप समझिए, यहाँ पे 75,000 to 80,000 के अप्रॉक्स में आपका सैलरी रहता ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने प्रोफेसर के बारे में सारी यहाँ पे जानकारी डिटेल्स यहाँ पे समझा, प्रोफेसर कैसे बनते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे, जो प्रोफेसर और लेक्चरर में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चरर जो होता है वो प्लस टू तक के पढ़ाते हैं सब, और लेक्चरर जो होता है आपका वो भी आपको नेट की तैयारी उसके लिए भी करनी होती है। और यहाँ पे लेक्चरर जो होता है वो धीरे धीरे, और उसको भी प्रमोशन मिल रहा है, तो वो लास्ट में फाइनली प्रोफेसर वो भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी डिटेल्स को समझा एक साथ और उसको देखा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।